Hello everyone, I hope you all are safe and sound and I hope you all are regularly studying for your exams क्योंकि आप सबके half yearly exams आने वाले हैं और हमें अपने सारे exams से एकदम अच्छे marks के साथ ace करने हैं। अगर आपको अपने exams में अच्छे marks चाहिए तो of course you have to subscribe to the Unacademy and ये subscribe आपको कैसे करना है, Unacademy का subscription कैसे लेना है, तो पहले आपको Unacademy का app download करना है and then you have to enroll your to any of the course of your choice. अगर आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, आप क्लास 1 में है या क्लास 12 में या इवन आपको किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, देन अनअकैडमी इज द प्लेस। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब टू एनी कोर्स ऑफ योर चॉइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड PJAIN10, क्योंकि अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं, जो कि स्क्रीन के नीचे भी दिया हुआ है, अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है। जी हाँ, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आपको मिस करनी ही नहीं चाहिए। एकदम फ्री 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 फ्लैट परसेंट कम हो जाएगा, फ्लैट परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा। सो अभी के अभी डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड, बिकॉज उससे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लूं, क्योंकि सिर्फ मैंने कहा और आप मान लो, ऐसा तो होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। जब तक पूरा आप यू नो मेंटली प्रिपेयर ना हो जाओ, किसी की बात मत सुनो। तो अब मैं आपको बताऊंगी ये सब्सक्रिप्शन लेना क्यों चाहिए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो ऐसा क्या आपको मिलेगा जो यू नो आपके रिजल्ट्स इम्प्रूव कर देगा। सो अगर आप अनअकैडमी पे एनरोल करते हो किसी भी कोर्स में, तो अनअकैडमी आपको पहले तो पूरा स्टडी मटेरियल देगा उस कोर्स का। सेकेंडली, अनअकैडमी पूरा आपको स्टडी प्लान करके देगा कि इस वीक में ये चैप्टर पढ़ो, इस वीक में ये सब कवर कर लोगे, इस टाइम पे ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। पूरा अनअकैडमी आपको एक प्लानर बना के देगा, एक स्टडी प्लानर देगा, आपको एक मेंटोर भी देगा हु विल जस्ट गाइड यू विद द सिलेबस, विद हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, इन व्हाट वे टू स्टडी, कैसे प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, A to Z वो मेंटर आपको हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी आपको वीकली रिपोर्ट्स भी देगा कि पूरे वीक में जितनी भी क्लासेस आपने अटेंड की, जितने भी टेस्ट आपने दिए, आपकी क्या प्रोग्रेस रही है थ्रू आउट द वीक, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप और प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस आपकी पूरे वीक में कैसी परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, यू कैन इवन गिव प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा वेयर यू गेट टू यू नो सॉल्व ऑल योर एकेडमिक डाउट्स विद द एजुकेटर। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट, एक पेरेंट और एजुकेटर का कनेक्ट भी अनअकैडमी पे होता है, वेयर द एजुकेटर टॉक विथ योर पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स के जितने नंबर ऑफ डाउट्स होते हैं कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, इसको आगे कौन सी स्ट्रीम दिलानी चाहिए, या आगे कैसे और क्या क्या कर सकता है, सारे क्वेश्चन, जितनी भी क्वेरीज, जितनी भी टेंशन पेरेंट्स को बच्चों के लिए होती है, वो सारी चीज़ें एजुकेटर पेरेंट्स के साथ मिलकर सब सॉल्व करते हैं। आज के टाइम पे इतना सब कुछ कौन करता है बच्चों के लिए, इतनी मेहनत कौन करता है, अनअकैडमी करता है। दैट्स वाई इट्स द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं, दे आर द टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया। सो दैट बेसिकली मीन्स यू गेट टू लर्न द बेस्ट एंड यू लर्न द बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट, क्योंकि अनअकैडमी पे जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको बेस्ट पढ़ाते हैं, और ये एजुकेटर्स इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेटर्स हैं एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो इतने सारे बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, अब तो आपको बिल्कुल देर करनी ही नहीं चाहिए। जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप राइट नाउ, एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस। आपको जो पढ़ना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो कोर्स पढ़िए, एनरोल योरसेल्फ
Do not forget to use my code that is also mentioned at the bottom of the screen, that is PJAIN10, because if you use my code you get 10% discount. Seedha 10% off aapko mil raha hai to, aur itne sare unlimited aapko benefits kisi platform pe mil rahe hain, kisi learning platform mein mil rahe hain, to ye opportunity to aapko bilkul miss karni hi nahi hai. करेंगे भी क्यों, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती. सो जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, एनरोल योरसेल्फ एंड यूज माय कोड. तो ये तो बात हुई अनअकैडमी की. अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देती हूँ. सो माय नेम इज प्रतीक्षा जैन. आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अनअकैडमी. आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7 एंड आई हैव डन माय बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. So that was all from my end, and moving ahead to our chapter, that is chapter 2 of civics, that is role of government in health. Role of government in health, बहुत बड़ा नाम है, but उससे भी ज़्यादा easy chapter ये है. Plus ये chapter बहुत ही ज़्यादा scoring है, because यहाँ से आते हैं बहुत सारे questions, small fill in the blanks या फिर multiple choice questions, यानी कि short answers और long answers भी आने की probability इस chapter से बहुत ज़्यादा है. तो वो सब हम cover करेंगे, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है. But उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है सिविक्स, इसका मतलब क्या होता है. क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगी, आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे और आप एग्जाम भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लोगे, उसमें मुझे आप पे कोई डाउट नहीं है. बट अगर आपको यही नहीं पता कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे के आए हो, उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, तो हमारी नॉलेज तो इनकम्प्लीट ही होगी ना यार. तो हमें अपनी नॉलेज बिल्कुल भी इनकम्प्लीट रखनी ही नहीं है, बिकॉज नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन एनी वन कैन पोसेस. सो हमारी अगर नॉलेज कम्प्लीट होगी तो ऑब्वियसली हम नॉलेजेबल पर्सन बनेंगे, राइट. तो हमें नॉलेज कम्प्लीट करने के लिए ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है. व्हाट डज दिस वर्ड सिविक्स मीन, इस सब्जेक्ट में होता क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है. तो सिविक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जो सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री या स्टेट में जो लोग रहते हैं, उनके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, यानी कि क्या अधिकार हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं सिटीजन्स की, यानी कि नागरिक की. सो नागरिक के अधिकार और जिम्मेदारियां, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, दैट इज बेसिकली ऑल स्टडीड इन सिविक्स. ठीक है, आई होप सब्जेक्ट पे क्या होता है आपको क्लियर होगा. तो बेसिकली सिविक्स में हम हमारी क्या राइट्स हैं, हमारी क्या ड्यूटीज हैं कंट्री के लिए, एंड हाउ द कंट्री वर्क्स, और क्या क्या अलग अलग राइट्स हैं, किन लोगों की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है कंट्री की, उस फंक्शनैलिटीज की क्या ड्यूटीज होती हैं, हाउ आर सिटीजन्स इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें हम अगर किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो वो है सिविक्स. आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हम सिविक्स में क्या पढ़ते हैं. सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी बुक्स ओपन करोगे या नेक्स्ट टाइम जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे या कहीं पे भी इवन ये वर्ड सुनोगे सिविक्स, तो आपको समझ आना चाहिए इट्स समथिंग रिलेटेड टू राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ किसके, राइट्स एंड ड्यूटीज किसके, सिटीजन्स के. तो आई होप सिविक्स आपको क्लियर होगा. नाउ मूविंग अहेड टू आवर चैप्टर. तो हमारे चैप्टर का नाम था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, राइट. तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है हेल्थ. हेल्थ होती क्या है, राइट. आज के टाइम पे तो हम ये वर्ड बहुत ज्यादा सुन रहे हैं लास्ट 1.5 ईयर से. हेल्थ एंड जो भी आज हमारी कंट्री में सिचुएशन है, ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो चुका है. नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट अक्रॉस द ग्लोब दिस हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. बट इस वर्ड का मीनिंग क्या है, वॉट डज हेल्थ मीन. सो हेल्थ इज बेसिकली आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, यानी कि हमारी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस, बीमारियां या कोई चोट से दूर रहने की हमारी जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं हेल्थ. यानी कि जो भी जिनको भी बहुत फ्रीक्वेंटली कोई बीमारियां नहीं है या लगती नहीं है जल्दी, दे आर वेरी हेल्दी, ठीक है. और जिनको बहुत सारी इलनेस फ्रीक्वेंटली होती है या मल्टीपल इलनेसेस हैं या बहुत जल्दी उनको लग जाती है, दैट मीन्स दे आर नॉट वेरी हेल्दी. उनकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी नहीं है.
सो दैट इज वॉट हेल्थ मीन्स. यू नो आपकी मम्मी भी बोलती होगी अपनी थोड़ी हेल्थ सुधारो, यू नो अपनी हेल्थ इम्प्रूव करो. तो हेल्थ का बेसिकली मीनिंग होता है टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस, यानी बीमारियों से दूर रहना, एंड टू रिमेन फ्री फ्रॉम इंजरीज, यानी कोई चोट या कुछ ऐसा नहीं लगे उसको हम कहते हैं फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. तो अभी तो हमने समझ लिया दैट हेल्थ इज आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. बट हाउ डू वी प्रिवेंट इलनेसेस, हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, या कौन हमें हेल्प करता है इन बीमारियों से बचने के लिए? देन देर आर हेल्थ फैसिलिटीज आर नीडेड टू प्रोवाइड द केयर एंड सर्विसेज टू पेशेंट्स. अगर कोई बीमार पड़ भी जाता है तो उसकी बीमारी यानी कि इलनेस को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है, फॉर दैट पर्पज वी हैव सर्टेन हेल्थ केयर फैसिलिटीज. ठीक है, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज आर नीडेड. तो पहले हमने पढ़ा हेल्थ क्या होती है, हेल्थ है टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. फिर हमने पढ़ा कि हम कैसे इन इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर बाय चांस हमें कोई इलनेस हो जाती है तो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो उसके लिए चाहिए हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज. अब बात आती है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या है. सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेसिकली होता है हॉस्पिटल्स या कोई लैबोरेटरीज जहाँ पे टेस्टिंग होती है, यानी कि ब्लड टेस्ट होता है या शुगर टेस्ट होता है या कोई भी दूसरा टाइप का टेस्ट होता है, या फिर एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स यानी कि जहाँ पे ब्लड हम अवेल कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं. ये जितनी भी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज होती है ना, जैसे हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, लैबोरेटरीज, ये जितनी भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज है हमारे आसपास, इनको हम कहते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज. तो अब हमें ये भी पता है कि हेल्थ क्या होता है, हमें ये पता है हम कैसे हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, एंड बाय चांस कोई बीमारी हमें लग सकती है तो हमें क्या चाहिए, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए. हमें ये भी पता है कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज जिसकी हमने बात की उसका मीनिंग क्या होता है. अब एक और क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमने बात की हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, हमने ये जाना हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर क्या आता है, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज चलती कैसे हैं, हाउ डज दीज फैसिलिटीज रन. तो इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज को चलाने के लिए, यानी कि हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज वर्किंग कंडीशन में हो, उनके लिए हमें चाहिए डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो हमें एडवाइस दे सके हमारी इलनेस पे, जो हमें बता सके हाउ वी कैन प्रिवेंट इलनेसेस, हाउ वी शुड ट्रीट इलनेसेस, जो हमारी बीमारी को डायग्नोस कर सके कि हमें क्या बीमारी हुई है, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं. सो वी नीड सच हेल्थ वर्कर्स, सच डॉक्टर्स जो हमें एडवाइस कर सके, जो हमारी इलनेस को डायग्नोस कर सके और जो हमारी इलनेस को ट्रीट भी कर सके, यानी कि हमें सही कर सके. हमें ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, and because of these health professionals, health care facilities are run. Doctors और इन professionals के अलावा हमें medicines and equipments भी चाहिए. ठीक है, health care facilities यानी हमने hospitals बना दिए, फिर उन hospitals में doctors भी आ गए, professionals भी आ गए, health care professionals. बट आप बात आती है अगर दवाइयाँ ही नहीं होगी, अगर वहाँ मशीन्स ही नहीं होंगे, यानी कि बेड्स नहीं होंगे या कोई इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं होंगे, ये सारे इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे, तो उस हॉस्पिटल और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता. सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ वर्कर्स के कारण चलती है, साथ साथ medicines and equipments are also equally important for any treatment. So that's, I think, I have given a very broad vision about health. Health ko kaise maintain kar sakte hai health care facilities ke through. Health care facilities ka kya matlab hai and on what basis are these health care facilities run. Kin karanon se ya kin logon ke karan ye health care facilities chalti hai. I have given a very broad description here. And now we'll move ahead to very interesting segment of this chapter, that is facts versus reality. मैं कुछ facts बताऊंगी which are which are applicable to India. वो facts हैं, वो सत्य वचन हैं, but उसके ही थोड़ी contradictory, उसके ही थोड़ी काफ़ी opposite reality क्या है. Fact के लिए तो fact
है, बट रियलिटी उसकी क्या है फैक्ट की, वो अब हम देखेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सुनने में लग सकता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और समझ भी बहुत अच्छे से आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट फैक्ट। हमारा पहला फैक्ट है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत आसान सा मतलब है कि इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। किसी भी कंट्री में इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं। इसके अलावा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि हर साल जितने डॉक्टर्स इंडिया में बनते हैं उतने और किसी कंट्री में नहीं बनते हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30,000 न्यू डॉक्टर्स आर प्रोड्यूस 30,000 न्यू डॉक्टर्स हर साल 30,000 नए डॉक्टर्स बनते हैं इंडिया में। तो ये तो है एक फैक्ट। अब हम इसके कॉन्ट्रेडिक्टरी एक रियालिटी देखते हैं, वो रियालिटी क्या है। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया, यानी कि बड़े बड़े शहरों में मोस्ट जितने भी डॉक्टर्स होते हैं सारे मोस्टली वहीं होते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। तो अभी हमने पढ़ा कि इंडिया में इतने सारे डॉक्टर्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं, इंडिया में इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, बट आज भी रियलिटी ये है कि जितने भी ये डॉक्टर्स हैं मोस्टली अर्बन एरियाज में ही सेटल होते हैं, यानी कि बड़े बड़े शहरों में ही हैं। इस कारण से आज भी जो छोटे गांव हैं, छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पे जो है नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत कम है। इस कारण से जो गांव के लोग होते हैं उनको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए दे हैव टू ट्रैवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। और जितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स नहीं है। तो भले ही हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं बट हमारे कंट्री की ही रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है उन डॉक्टर्स से। सो वी नीड मोर डॉक्टर्स एंड मोर डॉक्टर्स आर नीडेड इन रूरल एरिया, छोटे छोटे गाँव में जहाँ पे डॉक्टर्स और प्रॉपर हॉस्पिटल्स की कमी है वहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, प्लस वहाँ पे हमें डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये था एक फैक्ट और उस फैक्ट के एकदम ही ऑपोजिट रियलिटी अभी हमने देखी। अब हम आते हैं दूसरे फैक्ट पे। सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटैंशियली ओवर द ईयर्स। इन 1950 देयर वर ओनली 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। In 1991, there were 11,174 hospitals. And in 2017, the number grew to 23,583. कहने का क्या मतलब है? कहने का बहुत इजी सा मतलब है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज ही हुई हैं। तो 1950 में सिर्फ 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, 1991 में ऑलमोस्ट इसके ट्रिपल फोर टाइम्स ज़्यादा हो गए 11,000, एंड 2017 में और ज़्यादा हो गए ऑलमोस्ट डबल, दैट इज 23,583। तो हमने देखा हर साल हॉस्पिटल्स तो इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं, बट अब हम रियलिटी देखेंगे दैट अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। Number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. यानी कि हमने अभी देखा कि over the years इंडिया में हॉस्पिटल जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज तो इंक्रीज ही होती गई है, बट इसके बाद भी हर साल 5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, टीबी भी जिसे हम कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस से हर साल 5 लोग मर रहे हैं एंड 1947 यानी जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है ये नंबर ऑलमोस्ट सेम रहा है, यानी कि हर साल तब से 1947 से लेके अब तक 5 लाख लोग हर साल मरते ही हैं ट्यूबरकुलोसिस से।
एंड 2 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम मलेरिया एवरी ईयर, और ये स्टैटिस्टिक्स भी डिक्रीज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारे को हार्श रियलिटी ये पता चलती है कि हमें ये तो पता है हर साल हॉस्पिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट ये भी एक हार्श रियलिटी है कि हॉस्पिटल्स रिलीज इंक्रीज हो रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही है, बट लोग जो है हर साल जो डेथ रेट्स है फ्रॉम डिजीजेस वो डिक्रीज नहीं हो रही। ट्यूबरकुलोसिस से आज भी 5 लाख लोग मर रहे हैं, मलेरिया के आज भी 20 लाख केस हर साल आ रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारा फैक्ट नंबर 3। तो हमारा थर्ड फैक्ट है, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज, दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मेडिकल टूरिस्ट, यानी कि वो पेशेंट्स जो दूसरे कंट्री से इंडिया आ रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें हम कहते हैं मेडिकल टूरिस्ट। एंड हर साल इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, एंड दे गेट देयर ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। बट रियलिटी क्या है, वी आर नॉट इवन एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, and 20% of all the communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. यानी कि आज दूसरे दूसरे कंट्रीज से इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट आ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, बट हार्श रियलिटी ये है कि हमारे जो खुद की कंट्री के लोग हैं उनको मोस्ट ऑफ देम डू नॉट इवन गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आज साफ पीने का पानी भी हमारे लोगों के पास नहीं है, और अगर साफ पीने का पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, और 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है, 21% ऑफ दीज डिजीजेस आर वाटर बोर्न, यानी कि खराब पानी पीने के कारण ये डिजीजेस होती है। और ये कौन कौन सी डिजीजेस होती है, सो डायरिया इज वन ऑफ देम, हेपेटाइटिस इज अनदर, इवन टाइफाइड भी वाटर बोर्न डिजीज ही है। तो एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी और आयरॉनिकल सिचुएशन है हमारी कंट्री की कि दूसरी कंट्रीज से हमारे देश में लोग आ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, बट हमारी कंट्री के लोगों के पास साफ पीने का पानी भी नहीं है, जिसके कारण इतनी सारी डिजीजेस हमारे कंट्री के लोगों में आज हो रही है। फैक्ट नंबर 4, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो मेडिसिन हम इंडिया में बनाते हैं हम पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं उस मेडिसिन की, एंड वी आर द लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, यानी हम बहुत सारी मेडिसिन दूसरी कंट्रीज में भी भेजते हैं। ये तो हो गया फैक्ट, अब हम रियलिटी देखेंगे। हाफ ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। हम इतनी सारी दवाइयाँ तो आज बना रहे हैं, हम दूसरे देशों में भी दवाइयाँ भेज रहे हैं, बट हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं दे डू नॉट इवन गेट एडिक्वेट फूड, यानी कि जितना खाना उन्हें खाना चाहिए अपने एज के अकॉर्डिंग वो उतना नहीं खा पाते। इसके कारण उनकी बॉडी में सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नरिशमेंट होना चाहिए बॉडी का, वो नहीं हो पाता, वो सारे बॉडी में पोषण नहीं होते हैं, जिसके कारण से हमारे कंट्री में जितने भी बच्चे हैं हाफ ऑफ देम आर अंडर नरिश्ड, यानी कि जितने न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी में होने चाहिए, जितना पोषण उनकी बॉडी में होना चाहिए उतना नहीं है। तो ये बहुत हार्श रियलिटीज है। फैक्ट्स कहने को तो हमने बता दिया, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मेडिसिन हैं, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हर साल इंक्रीज ही हो रही है, बट जब हम रियलिटी देखते हैं तो वो तो बहुत ही डिफरेंट केस है हमारी रियलिटी। हमारे बच्चों के पास एडिक्वेट फूड नहीं है, हमारे लोगों के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है पीने के लिए। सो बहुत हार्श रियलिटीज हैं। रूरल एरियाज में आज भी लोगों को बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये बहुत ही हार्श रियलिटीज हमने देखी, फैक्ट्स हमने देखने को देख लिए, बट रियलिटीज जो है बहुत हार्श है।
अब ऐसे क्यों ये डिफरेंस है फैक्ट और रियलिटीज में? जो फैक्ट्स हमारे पास है वो रियलिटी में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहे, या फिर जो रियलिटीज है वो इतनी डिफरेंट क्यों है फैक्ट से, वो अब हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितने टाइप की होती है। हमने अभी पढ़ा था हेल्थ केयर फैसिलिटीज मतलब क्या, हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जो हेल्थ से रिलेटेड है उनको हम कहते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज, राइट। अब ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है ये दो टाइप की होती है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। थोड़ा तो आई गेस आपको नाम से ही एकदम क्लियर हो गया होगा पब्लिक एंड प्राइवेट, बट हम अब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड अलोंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू हेल्थ केयर सर्विसेज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी हमने फैक्ट्स पढ़े थे और जो अभी हमने रियलिटीज पढ़ी थी, इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है। जिसे कहते हैं ना एकदम जमीन आसमान का जो डिफरेंस है वो हमने देखा कि फैक्ट्स तो बिल्कुल ही अलग है और रियलिटीज बिल्कुल भी उसके फैक्ट के आसपास भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, हम इन दोनों सर्विसेज को जब पढ़ेंगे, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, तो अलोंग द लाइन हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि फैक्ट और रियलिटी में इतना डिफरेंस क्यों है। सो फर्स्ट वील स्टार्ट विथ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज या फिर पब्लिक हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स बोथ इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज रन बाय द गवर्नमेंट। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती है, सो देयर आर अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स या हॉस्पिटल्स, यानी कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स होते हैं दोनों एरियाज में, अर्बन एरिया यानी बड़े बड़े शहरों में भी और रूरल एरियाज यानी छोटे टाउन्स या विलेजेस जो होते हैं, गांव जो होते हैं, वहां पे भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ठीक है। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो आपको हमेशा याद रखना है, दैट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज यानी कि जो हेल्थ सेंटर्स या हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में है, अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है दैट मीन्स दे आर रन बाय द गवर्नमेंट। सो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, यानी कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स हैं अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी, एंड दीज सेंटर्स आर रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अभी दो लेवल पे होते हैं, एक विलेज लेवल पे जो ऐसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है यानी कि वो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के थ्रू रन हो रहे हैं, तो विलेज लेवल पे इनका नाम होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PHC भी कहते हैं। सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या होता है, एक नर्स होती है और विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं यानी कि गांव के डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि जो कॉमन इलनेस होती है यानी कि बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया या नॉर्मल और कोई छोटी मोटी इंजरीज हो गई, फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तो ये जो कॉमन इलनेसेस है, इंजरीज है, दीज पीपल आर ट्रेन टू ट्रीट दोज कॉमन इलनेसेस एंड दे वर्क अंडर अ डॉक्टर। एक डॉक्टर होता है, उसके अंडर होते हैं काफी नर्स एंड दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कि कॉमन इलनेसेस जो होती हैं वो ट्रीट करते हैं। कोई बहुत अगर कॉम्प्लेक्स डिजीज है तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजीजेस यहाँ पे ट्रीट नहीं होती, एकदम जो कॉमन इलनेसेस होती है, सर्दी खांसी बुखार, इस टाइप की जो इलनेसेस होती है वो यहाँ पे ट्रीट होती है। ये है विलेज लेवल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती है यानी कि वो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट रन करती है और उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। अब एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होता है, जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में और छोटे छोटे गाँव में, All of these hospitals are supervised by the district hospitals. So at district level is the district hospital that supervises all the health centers. उस district में जितने भी health centers हैं, जितने भी government hospitals हैं, वो सब एक बड़ा district hospital होता है जो उन सबको supervise करता है, उन सबको guide करता है, monitor करता है। यानी कि ये बड़े बड़े शहरों में होते हैं government hospitals
एंड जब भी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज का नाम आएगा, हमें एकदम से क्लिक होना चाहिए कि वो हॉस्पिटल्स या वो हेल्थ सेंटर्स जो गवर्नमेंट रन करती है, दीज आर रन बाय द गवर्नमेंट। अब ये भी दो लेवल पे होते हैं, एक विलेज लेवल और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी कि PHC, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट के उनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे, और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा कि ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि कुछ हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट रन करती है, बट हम इन्हें पब्लिक क्यों कहते हैं? Why are we even using the word public for them? ये पब्लिक हेल्थ केयर क्यों बोल रहे हैं? हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी तो बोल सकते थे, हम गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी बोल सकते थे, बिकॉज यू नो दैट वुड हैव बीन मोर बेटर, क्योंकि गवर्नमेंट ही रन कर रही है। बट हम पब्लिक टर्म यूज क्यों कर रहे हैं? हम पब्लिक टर्म यूज कर रहे हैं बिकॉज इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। वो रीजन्स क्या है पब्लिक टर्म यूज करने के लिए? तो वो रीजन्स ये हैं कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो गवर्नमेंट होती है किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की, उस गवर्नमेंट की ये एक प्रॉमिस होता है लोगों के लिए कि दे विल प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज, प्रॉपर हेल्थ केयर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश दीज हॉस्पिटल्स टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उनने अलग अलग हॉस्पिटल्स इसलिए खोले हैं, वो चाहती तो नहीं भी खोलती, क्या जरूरत है हॉस्पिटल्स खोलने की, बट गवर्नमेंट अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग गांव में अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इसलिए खोलती है बिकॉज गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया होता है अपने लोगों से, यू नो सिटीजन से, नागरिकों से, दैट दे विल प्रोवाइड वेरी गुड हेल्थ केयर फॉर एवरी सिटीजन, फॉर ऑल सिटीजन। तो क्योंकि हर सिटीजन के लिए, हर सिटीजन से गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया होता है, इसलिए इसको हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कहते हैं। यानी कि दीज हेल्थ केयर सर्विसेज आर फॉर द पब्लिक, आर फॉर पीपल, दे आर फॉर एवरी वन। सेकेंड रीजन इसको पब्लिक कहने के लिए ये है बिकॉज दीज सर्विसेज, दीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर रन बाय आर मनी। आर मनी हम तो लेकिन गवर्नमेंट को पैसे देते ही नहीं मैम, तो आप कैसे कैसे के बोल रहे हो कि यू नो वी पे द मनी टू गवर्नमेंट टू रन दीज हॉस्पिटल्स। सो लेट मी टेल यू, एंड यू कैन इवन कन्फर्म विद योर पेरेंट्स या जो भी आपकी फैमिली में वर्किंग मेंबर है, जॉब जो करते हैं या कोई सर्विस करते हैं या जिनका कोई बिजनेस है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं दैट वी पे सर्टेन टैक्स टू द मनी। ये टैक्स हम कैसे पे करते हैं गवर्नमेंट को? वी पे देम इन द फॉर्म ऑफ मनी। सो हम हर मंथ, हर साल एक अमाउंट पे करते हैं गवर्नमेंट को, और ये जो अमाउंट होता है इसके थ्रू गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करती है। सो इन अ वे हम ही गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं टू ओपन दीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एंड बिकॉज हम ही पैसे दे रहे हैं तो ये फैसिलिटीज भी हम ही अवेल करेंगे ना। आप हमारे लिए ही तो हॉस्पिटल खोल रहे हो और हमारे ही पैसों से खोल रहे हो, सो दीज फैसिलिटीज आर ऑब्वियसली मेंट फॉर एवरीवन। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, कोई भी इन हॉस्पिटल्स, इन हेल्थ केयर सेंटर्स पे जाके यहाँ की सर्विसेज अवेल कर सकता है। सो रिसोर्सेज फॉर रनिंग दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट पब्लिक, यानी कि आप और हम जो पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, एंड वी पे दिस मनी टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ये टैक्सेस के थ्रू ही गवर्नमेंट इतने सारे हॉस्पिटल्स खोलती है, इतने सारे हेल्थ केयर सेंटर्स अलग अलग जगहों पे खोलती है। हेंस सच फैसिलिटीज आर मेंट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए है। आप भी वहाँ पे जा सकते हो, मैं भी वहाँ पे, कोई भी सर्विसेज, कोई भी, अगर मुझे कोई इलनेस होती है तो मैं भी वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। थर्ड रीजन फॉर कॉलिंग दीज सर्विसेज या हेल्थ केयर सेंटर्स पब्लिक इज बिकॉज ये हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट फ्री होती हैं या फिर बहुत कम कॉस्ट पे होती हैं, ताकि एकदम जो गरीब से गरीब है, इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। इसलिए क्योंकि हर कोई अमीर नहीं हो सकता, राइट? एक बहुत कॉमन फैक्ट है, नॉट एवरी वन कैन बी रिच। सो देर आर
poor people also. So because to ensure that even the poorest of the poor can go to a hospital and avail the healthcare services, इसके लिए यहाँ पे जो treatment होता है in healthcare centers पे, public health centers पे, ये almost या तो free होता है, यानी कि मुफ्त होता है, या फिर बहुत कम cost पे होता है, low cost पे होता है. तो इसके लिए भी इसको पब्लिक कहते हैं, सो दैट गरीब से गरीब या अमीर से अमीर भी यहाँ की सर्विसेज अवेल कर सके. एंड लास्टली फोर्थ रीजन फॉर कॉलिंग देम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज इज जो गवर्नमेंट होती है वो एक्शंस लेती है. किसके अगेंस्ट एक्शन लेती है? दे टेक एक्शन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेस सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस विद पब्लिक पार्टिसिपेशन. यानी कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कैंपेन और एक अवेयरनेस ड्राइव इनिशिएट करती है, ऑर्गेनाइज करती है विद द हेल्प ऑफ द जनरल पब्लिक, जहाँ पे वो लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो कॉमन डिजीजेज हैं जैसे मलेरिया, टीबी, ये स्प्रेड कैसे होती है और कैसे इनको स्प्रेड करना हम रोक सकते हैं. हमने हेल्थ की डेफिनेशन में पढ़ा था आर एबिलिटी टू प्रिवेंट इलनेसेस एंड इंजरीज. तो हमारी हेल्थ एक मेंटेन्ड हो, हम वी प्रिवेंट बेटर फ्रॉम इलनेसेस, उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत एक्शंस लेती है, बहुत सारे कैंपेन्स करती है, बहुत सारे अवेयरनेस ड्राइव्स को ऑर्गेनाइज करती है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ओनली. हमारे पार्टिसिपेशन के थ्रू ही ये सब पॉसिबल होता है. तो इन रीजंस के कारण इन हेल्थ केयर सर्विसेज को पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज बोलते हैं, बिकॉज दीज हेल्थ केयर सर्विसेज आर फॉर एवरी वन, ईच एंड एवरी पर्सन, फॉर द एंटायर पब्लिक ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, या फिर पूरे देश की जो जनता है उनके लिए ये सर्विसेज होती है. इस कारण से इसे कहते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज. अब हमने ये सर्फिस लेवल पे देखा पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, विलेज लेवल पे होती है, गवर्नमेंट इन्हें रन करते हैं, इन्हें पब्लिक क्यों कहते हैं, ये सब तो हमने देखा. अब हम बात करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि हमारा जो रूल बुक जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे कंट्री के लिखे हुए हैं, हर सिटीजन या हर गवर्नमेंट का डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्थ केयर के क्या प्रोविजंस हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल. यानी कि गवर्नमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि दे इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल और हर सब लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें. ये गवर्नमेंट की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इसके अलावा गवर्नमेंट को एक और चीज इंश्योर करनी होती है, दैट इज राइट टू लाइफ. बहुत सारे राइट्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं. वैसा ही एक राइट है, राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, द राइट टू लिव, टू राइट टू स्टे अलाइव, यानी कि जिंदा रहने का, जीवन जीने का जो अधिकार है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी सेफ गार्डेड, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट ये राइट टू लाइफ इंश्योर नहीं कर पाती, दैट मीन्स आर राइट गेट्स वायलेटेड. अगर हमारा ये राइट इंश्योर ही नहीं हो पा रहा, इफ वी आर नॉट इवन गेटिंग प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, देन दैट ऑब्वियसली मीन्स कि हमारा ये जो राइट टू लाइफ है दैट इज गेटिंग वायलेटेड. हमें अगर ट्रीटमेंट ही सही टाइम पे नहीं मिल रहा हमारी इलनेस के लिए, देन ऑब्वियसली आर राइट इज गेटिंग वायलेटेड. तो अगर ऐसे टाइम पे ये राइट वायलेट होता है जब हॉस्पिटल्स हमें टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दे पाते या सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, दैट मीन्स आर राइट टू लाइफ गेट्स वायलेटेड. तो ऐसे टाइम पे पनिशमेंट भी मिल सकती है हॉस्पिटल को इफ दे डू नॉट प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू अस ऑन टाइम. तो दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी राइट टू लाइफ गेट्स वायलेटेड व्हेन अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन. जब हमें टाइम रहते हुए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता हमारे इलनेस के लिए, दैट मीन्स हमारा जो राइट टू लाइफ है, हमारा जो
जीवन जीने का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है, दैट गेट्स वायलेटेड। तो हमने पब्लिक हेल्थ केयर पूरा पढ़ लिया है, दैट मीन्स हमने पब्लिक हेल्थ केयर का क्या मीनिंग होता है वो समझ लिया, दैट दे आर रन बाय द गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन से हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, विलेज लेवल पे क्या होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा इन हेल्थ केयर सर्विसेज को पब्लिक क्यों कहते हैं, कोई और नाम हम क्यों यूज नहीं करते, तो वो भी हमने पढ़ लिया। एंड लास्टली हमने ये भी देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के क्या प्रोविजंस है। तो हमने प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा एंड राइट टू लाइफ भी हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हम बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मैंने बताया था दो काइंड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है, एक तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है और एक प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है। पब्लिक तो हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या होती है, एज द नेम सजेस्ट ही कुछ भी ऑब्वियसली पब्लिक के एकदम ऑपोजिट ही होगी। तो पब्लिक में हमने पढ़ा था कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, तो उसका ऑपोजिट कर लेते हैं यहाँ पे। सो दोज हेल्थ केयर फैसिलिटीज विच आर नॉट रन बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। यानी कि ऐसे हॉस्पिटल्स या फिर ऐसी लैबोरेटरीज, ऐसे हेल्थ सेंटर्स जहाँ पे गवर्नमेंट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दे डू नॉट इंटरफेयर, दे डू नॉट कंट्रोल सच हॉस्पिटल्स, ऐसे उन हॉस्पिटल्स या उन हेल्थ सर्विसेज, उन हेल्थ फैसिलिटीज को हम कहते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ओके, तो जो अर्बन एरियाज है यानी कि बड़े बड़े शहर जो है या बड़े टाउन्स जो है, वहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा है। अर्बन एरियाज में आज बहुत सारे डॉक्टर्स के प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उनके नर्सिंग होम्स हैं, बहुत प्राइवेटली ओन लैबोरेटरीज हैं जहाँ पे सारी टेस्टिंग्स होती हैं, एक्सरेज होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो आज प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्योंकि पब्लिक के लिए होती है, आम जनता के लिए होती है, तो वहाँ की ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत कम होती है, बहुत लो कॉस्ट होती है या फिर ऑलमोस्ट फ्री होता है। बट उसी का ऑपोजिट हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा प्राइवेट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो अगर वहाँ पे लो कॉस्ट है तो यहाँ पे ऑब्वियसली हाई कॉस्ट होगी ट्रीटमेंट के लिए। सो इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट्स हैव टू पे लार्ज सम ऑफ अमाउंट्स फॉर देयर ट्रीटमेंट। अगर आप किसी प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर से अपना इलाज करवा रहे हो तो आपको बहुत सारे पैसे वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए देने पड़ेंगे। और हमने ये भी देखा कि जितने भी प्राइवेट हेल्थ एक्सक्यूज मी सॉरी सो हमने ये भी देखा कि जितने भी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है हमारे देश में वो लार्जली अर्बन एरियाज में है और रूरल एरियाज में जो है ऐसी फैसिलिटीज बहुत कम है और इनके रेट भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री या लो कॉस्ट मिलता है। एंड यहाँ पे जो है बहुत सारे आज हम अपने आसपास प्राइवेटली ओन क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स देखते हैं विच हैव जीरो इंटरफेरेंस, जीरो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो दीज आर दिस इज बेसिकली अ वेरी ब्रीफ अबाउट प्राइवेट हेल्थ केयर कि इसका क्या होता है, क्या मीनिंग होता है। बट प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्योंकि हमने देखा ये लार्जली अर्बन एरियाज में ही है, रूरल एरियाज में नहीं है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है ट्रीटमेंट की, तो जो लोग हैं एक पॉवर्टी वेब यानी गरीबी के जाल में फंस जाते हैं। अब वो कैसे फंसते हैं, तो लेट्स सी। आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास प्राइवेट सर्विसेज हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, इसका एक रीज़न ये भी है प्राइवेट सर्विसेज किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल के थ्रू बनाए जाते हैं, बट जो पब्लिक सर्विसेज होती है जितना टैक्स हम पे करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना सकती है, जितने पैसे हम उन्हें देंगे टैक्स के थ्रू, है ना। तो गवर्नमेंट का इस वे में थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होती है, वो ज़्यादा जल्दी नहीं बना सकती। वेरा जो प्राइवेट सर्विसेज होती है वो किसी कंपनी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू बनाई जाती है, दैट्स वेरी फ्रीक्वेंट। इसलिए आज बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज हम अपने आसपास देख रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग वेरी एट अ वेरी हाई स्पीड।
और हमने ये भी देखा कि ये जो इंक्रीजिंग प्राइवेट सर्विसेज है ये ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरियाज में है, यानी कि बड़े बड़े शहरों में है। यहाँ की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है ट्रीटमेंट की, ये भी हमने पढ़ा। अब कॉस्ट ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं, जो यू नो मिडिल क्लास फैमिलीज है या जो आम लोग हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड इतना सारा ट्रीटमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना, खर्च करना। सो दे आइदर टेक लोन्स, या तो वो बैंक से ट्रीटमेंट का लोन लेते हैं या फिर वो पैसे बोरो करते हैं किसी से कि हमें थोड़े टाइम के लिए अपने फैमिली मेंबर के लिए इलाज करवाना है इसलिए पैसे दे दो, फिर विल रिटर्न। तो इस कारण से पॉवर्टी का वेब बन जाता है, पीपल कैन नॉट अफोर्ड इतनी हाई ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइवेट सर्विसेज। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि आज हमारे आसपास कोई सर्विसेज हैं तो वो प्राइवेट सर्विसेज ही हैं, बिकॉज अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा प्राइवेट सर्विसेज ही इंक्रीजिंगली इस्टेब्लिश हो रही है। तो अर्बन एरियाज में प्राइवेट सर्विसेज होती हैं, इनकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत हाई होती है एंड नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड सच हाई ट्रीटमेंट, सो दे हैव टू आइदर बोरो मनी और टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक। तो इसके कारण एक गरीबी का जाल बन जाता है, एक तो आप पहले ही वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से इतने सारे एक्सपेंसेस और आपकी लाइफ में लग रहे हैं, आप पहले गरीब हो फिर आपको लोन लेना पड़ रहा है ट्रीटमेंट के लिए, सो इट जस्ट एड ऑन टू द डेप्थ। तो इस कारण से एक पूरा पॉवर्टी का वेब हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन सी बात है, अगर किसी गरीब परिवार में अगर कोई इलनेस हो जाती है, देयर इज एनी इलनेस इन पुअर फैमिली, दैट कॉजेज ग्रेट एंग्जाइटी एंड ग्रेट डिस्ट्रेस अमंग्स्ट दैट फैमिली। बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है रिलेटेड टू द मनी, फाइनेंशियली बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है, मेंटली बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है, बिकॉज इलनेस इन अ पुअर फैमिली एड्स ऑन टू देयर पॉवर्टी। ये हमने अभी समझा कि इलनेस बेसिकली एड ऑन टू द पॉवर्टी ऑफ द पुअर पीपल। एंड ये भी एक फैक्ट है कि जितने भी गरीब लोग हैं दे आर अंडर नरिश्ड, कहने का मतलब ये है जैसा थोड़े टाइम पहले भी समझाया था, अंडर नरिश मतलब जितना हमें खाना चाहिए अगर हम उतना नहीं खा पाते, सो दैट मीन्स वी आर अंडर नरिश्ड, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी को वो नहीं मिल पा रहे, एंड जिसके अगर हमारी बॉडी में पोषण ही नहीं होगा जितना बॉडी हमारा रिक्वायर करती है वो न्यूट्रिएंट्स, तो ऑब्वियसली विल फॉल इल, हम बीमार बहुत जल्दी जल्दी पड़ेंगे। एंड ये एक फैक्ट है, ऐसा माना जाता है दैट पुअर पीपल आर अंडर नरिश्ड, यानी दे डू नॉट हैव द मनी टू ईट एज मच एज दे शुड, एंड एज अ रिजल्ट दे फॉल इल वेरी ऑफन। उनके पास पीने का साफ पानी भी नहीं होता, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, क्लीन सराउंडिंग्स नहीं होती, इस कारण से दे फॉल इल वेरी ऑफन। एंड वंस दे फॉल इल, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उनकी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द मनी टू पे फॉर देयर ट्रीटमेंट, और पब्लिक फैसिलिटीज जो कि ऑलमोस्ट फ्री होती हैं वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो उनको ऑब्वियसली झक मार के प्राइवेट सर्विसेज में ही जैसे तैसे पैसे मैनेज करके जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी के अंदर हम एक और बात करें, तो विमेन की हेल्थ केयर की पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है एज कम्पेयर टू मेन्स हेल्थ, यानी कि जो आदमी है उनकी हेल्थ पे एक्स्ट्रा फोकस होता है और जो विमेन है उनकी हेल्थ पे बहुत कम फोकस होता है। इस कारण से भी जो विमेन है वो भी बहुत जल्दी बीमार होती हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी के अंडर। ठीक है, करेंगे दो केस स्टडीज की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ समझनी होगी कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे, हेल्थ के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, सोशल कंडीशंस है जगहों की विच ऑल्सो एड्स ऑन टू दिस वर्क। तो सिर्फ एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब होती है, गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा हेल्थ इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक एमिनिटीज एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल, यानी कि सामाजिक व्यवस्थाएं क्या है या बेसिक रिक्वायरमेंट जो हेल्थ के लिए जरूरी है, यानी कि क्लीन सराउंडिंग्स,
सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, ये सब भी बहुत मैटर करती हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। तब हम दो केस स्टडीज पढ़ेंगे, एक है केरला एक्सपीरियंस, केरला इंडिया का एक स्टेट है, और एक कोस्टा रिकन अप्रोच। तो हम ये दोनों पढ़ेंगे। कोस्टा रिका में ऐसा क्या हुआ, कोस्टा रिका एक जगह है, कोस्टा रिका में हेल्थ केयर के लिए ऐसा क्या हुआ, केरला में क्या हुआ, वो सब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग विद केरला एक्सपीरियंस। तो केरला में क्या हुआ, 1996 में हर स्टेट का एक बजट होता है, राइट। आपने टीवी पे भी देखा होगा, आपके स्टेट गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर है हर साल एक बजट प्रेजेंट करते हैं जिसमें आम लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज या बहुत सारी नई चीजें होती है। सो 1996 में केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, 40% जो स्टेट बजट था वो पूरे बजट में जो 40% था उन्होंने पंचायत को दे दिया। पंचायत क्या होती है, आई होप आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट हियर। सो 1996 में जो केरला का स्टेट बजट था उसमें से 40% उन लोगों ने पंचायत को दे दिया और पंचायत को बोल दिया कि आपको जैसे प्लानिंग करनी है अपने गांव में, जो भी जितना भी जैसे भी आपको स्पेंड करना है, यू हैव आर फ्री हैंड, यानी कि आप प्लानिंग करो कि कैसे वाटर रिक्वायरमेंट्स आप अपने विलेज की फुलफिल कर सकते हो, विमेन डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, एजुकेशन पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने पूरे फ्रीडम दिया पंचायत को कि आपको जो करना है जैसे करना है करो, आप हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपको इस पैसे से कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे आपको सब डेवलपमेंट करना है आप करो, हमने आपको फुल फ्रीडम दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि क्योंकि पंचायत के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, उनको बेटर पता था कि उनके विलेज में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे वो फुलफिल कर सकते हैं और कैसे उनको डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये बहुत एक इफेक्टिव स्कीम थी और इसके कारण क्योंकि पंचायत को एक अपर हैंड दिया गया, पंचायत को फ्रीडम दी गई, तो इसके कारण से जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीम्स थी, जितने भी स्कूल या आंगनबाड़ी यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल्स जो थे, वो जितने भी गांव में विलेज लेवल पर चल रहे थे, वो सब उन सब का रेगुलर चेक होने लगा, यानी कि ये स्कीम जो है ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी हो रही है या नहीं, जो स्कूल है वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो देर वॉज अ रेगुलर चेक, एक रेगुलर चेक होने लगे इन सब चीज़ों पे। एंड ऑब्वियसली जब रेगुलर चेक होते हैं तो डेवलपमेंट बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के आपको बताऊँ, आपके स्कूल में, आपकी असेंबली में रोज आपके नेल्स चेक होते होंगे कि नेल्स लॉन्ग हैं कि शॉर्ट हैं, बच्चों ने कट किए हुए हैं या नहीं, दैट्स अ वेरी रेगुलर चेक। तो आप क्या करते हो, आप रेगुलरली अपने नेल्स कट करते हो बिकॉज यू हैव दैट फियर दैट आई माइट गेट पनिश्ड, देयर विल बी रेगुलर चेक्स इन आर स्कूल असेंबलीज। तो वैसे ही यहाँ पे भी रेगुलर चेक्स होने लगे। सो देयर द पंचायत यूज टू चेक वेदर द वाटर सप्लाई स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली और नॉट, वेदर द स्कूल्स एंड आंगनबाड़ीज आर वर्किंग और नॉट, एंड जितनी भी विलेज की और दूसरी प्रॉब्लम्स थी वो सब ऐसे धीरे धीरे सॉल्व होने लगी। एंड इसका एक सबसे बेस्ट बेनिफिट ये रहा कि हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव। पहले जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे या जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स थे, दे वर डूइंग वेरी बैडली, बहुत बुरी कंडीशन थी। बट जैसे ही ये स्टेट गवर्नमेंट ने 40% अपना बजट पंचायत को दिया, जैसे ही पंचायत रेगुलर चेक्स करने लगी, सारी अपनी प्लानिंग अपने विलेज के अकॉर्डिंग करने लगी, तो जो हेल्थ सेंटर्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, जो हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई केरला में। तो केरला का ये जो एक प्लानिंग थी, ये जो एक पूरा स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये 1996 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इससे थोड़ा सा डिफरेंट बट हेल्थ से रिलेटेड एक और केस स्टडी हम लेंगे, दैट इज कोस्टा रिकन अप्रोच। अब कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका का सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री मानी जाती है।
कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही समझ सकते हैं। सेंट्रल अमेरिका का सबसे हेल्दी स्टेट, यानी कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा फिट है, ज्यादा दे आर एबल टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। तो ऐसा कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहां का जो पूरी कंट्री है इतनी हेल्दी बन गई, वहां के लोग इतने फिट हो गए हैं, तो उनने क्या किया, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था, दे डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। जो आर्मी होती है हर कंट्री की, जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, सो कोस्टा रिका डिसाइडेड कि हमें आर्मी चाहिए ही नहीं। इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट कोस्टा रिका की गवर्नमेंट आर्मी में जितने पैसे इन्वेस्ट करते वो सारे पैसे बच गए, और जितने पैसे बचे थे इन्वेस्टेड ऑन हेल्थ। तो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ सम, इतना लार्ज सम ऑफ अमाउंट जब आप आर्मी पे इन्वेस्ट ना करके हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस है, जो हेल्थ सेंटर्स है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। सो दिस हेल्प कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। दे बिलीव दैट अ कंट्री हैज टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। अगर आप स्वस्थ हो गए, अगर आप फिट हो गए, हेल्दी हो गए, तभी आपका डेवलपमेंट हो सकता है। और इसी कारण से बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग भी है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी जितना पैसा आप हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे सो उतनी ज्यादा आपकी ही कंट्री डेवलप होगी, स्ट्रांग होगी। बिकॉज जब आपके कंट्री के लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो डेवलपमेंट विल ऑब्वियसली प्रिवेल। सो ये थे दो केस स्टडीज। पहले हमने केरला एक्सपीरियंस पढ़ा, जो कि इंडिया का ही एक स्टेट है, सदर्न स्टेट है, और फिर हमने कोस्टा रिकन अप्रोच पढ़ी, कोस्टा रिकन जो कि सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है। सो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हमने पहले पढ़ा हेल्थ क्या होती है, हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छे से पढ़ी, फिर हमने दो काइंड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज पढ़ी, पब्लिक, हमने पब्लिक में ये समझा पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या होती है, हम उन्हें पब्लिक क्या क्यों कहते हैं, और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं। फिर हमने दूसरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज पढ़ी, जिसको कहते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो उसमें हमने पढ़ा क्या होता है, वो पब्लिक से कैसे इतना डिफरेंट है, और कैसे पॉवर्टी का वेब क्रिएट हो जाता है, गरीबी में और गरीबी हो जाती है, कैसे विमेन की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और लास्टली हमने दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स देखे बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, कि कैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक प्रायोरिटी बनाई जा सकती है, और जो हम कहते हैं गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी होती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो कैसे केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने और कोस्टा रिकन को ये करके दिखाया, दैट दे प्रूव दैट इट वॉज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द बेस्ट हेल्थ केयर सेंटर्स टू इट्स पब्लिक। तो ये हमने देखा, एंड दैट जस्ट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में सब कुछ यही था, देयर इज नॉट मच इनटू द चैप्टर, बट हाँ इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब हम बात करेंगे अनअकैडमी की स्पेशल फ्री स्पेशल क्लासेस की। फ्री तो आपको यहाँ समझ ही आ गया है, जो क्लासेस एकदम फ्री है आपके लिए, आपको कुछ पे नहीं करना है, तो वो फ्री क्लासेस के आपके क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, आप एजुकेटर से लाइव टाइम पे इंटरैक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, यहाँ पे हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते, बट जो अगर आप अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हो तो वहाँ पे आप एकदम लाइव जो है इंटरैक्ट कर सकते हो अपने एजुकेटर्स के साथ। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, यहाँ पे तो आप मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे, बट अगर आप अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हो तो आप वहाँ पे एजुकेटर्स से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एजुकेटर्स आपके क्वेश्चन सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, प्लस एजुकेटर्स भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ आ रहा है। देयर कैन बी लाइव पोल क्वेश्चन जिसमें आप पार्ट ले सकते हो, बहुत मजे आते हैं लाइव पोल्स में, इट्स लाइक KBC बट ओनली डिफरेंस बींग द क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड बाय अमिताभ बच्चन जी, बट दे आर आस्क्ड बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, एंड उसका एक्सपीरियंस एक बिल्कुल ही अलग होता है। इसके अलावा आपके जितने भी फ्रेंड्स आपके साथ कोई अनअकैडमी की स्पेशल क्लास अटेंड कर रहे हैं,
आपकी फ्रेंड्स, जब एजुकेटर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपके फ्रेंड्स कितना सही आंसर दे रहे हैं, आपने कौन कौन से सही आंसर दिए, यू नो एक पोल लीडर बोर्ड क्रिएट हो जाता है वेयर यू गेट टू कम्पीट विद योर फ्रेंड्स। तो ये तो थे अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस के फीचर्स, जहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, दे आर फ्री। बट अगर हम बात करें अन अकेडमी के पेड सब्सक्रिप्शन की, जहाँ पे आपको थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो अगर आप अन अकेडमी का ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस। आप अपने घर के कम्फर्ट से, एकदम घर से पढ़ सकते हैं, एकदम आराम से, लेटे लेटे पढ़ो, खाते खाते पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, घर से आराम से पढ़ो, जब मूड हो तब पढ़ो। तो ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है आज के टाइम पे, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, बट आपके टाइम पे ऐसा इतनी सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं अकेडमी के, तो आप बहुत लकी हो और आपको ये यू नो ये अपॉर्चुनिटी तो मिस ही नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। तो आपको कोई भी कोर्स पढ़ना हो, आपको मैथ्स पढ़ना हो, साइंस पढ़ना हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या कोई आगे आपको फ्यूचर के लिए किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो, तो अन अकेडमी पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अन अकेडमी पे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, हु आर द फाइनेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ये मैंने पहले भी बताया था। प्लस आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं अन अकेडमी पे, वे यू गेट टू यू नो सॉल्व ऑल योर अकेडमिक डाउट्स। आपको जो भी डाउट्स हैं, जैसे जैसे एजुकेटर पढ़ाता है, आपको ऑब्वियसली अकेडमिक डाउट्स आ सकते हैं, तो ये सब आप सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आप अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपको गाइडेंस करेगा, आपको गाइडेंस देगा कि कैसे आप पढ़ सकते हो, कैसे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा अन अकेडमी आपको पूरा स्टडी मटेरियल देगा, आप जिस भी कोर्स में हो अन अकेडमी आपको पूरा स्टडी मटेरियल उसका देगा। तो आपको यू नो मुझे एक नर्वसनेस होती है इंटरनेट पे ढूंढने की कि अरे मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, एग्जाम में क्या लिख कर आऊंगी, तो वो एक जो कॉमन एंग्जाइटी होती है स्टूडेंट्स की, वो अन अकेडमी दूर करता है। और जितना स्टडी मटेरियल होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सब अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अन अकेडमी इज द प्लेस फॉर ऑल योर स्टडी रिलेटेड मटेरियल, फॉर ऑल योर स्टडी रिलेटेड डाउट्स, बेस्ट पढ़ने के लिए, रिजल्ट्स इंप्रूव करने के लिए अन अकेडमी इज द बेस्ट प्लेस। इसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ताकि आप एनालाइज कर सको कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। लाइव टेस्ट भी होते हैं जो आपको एकदम एग्जाम वाली फील देते हैं, स्कूल के एग्जाम की, जहाँ पे आपको लाइव एक स्टिमुलेटेड टाइम में आपको वो टेस्ट देना होता है। और बैच में कोर्सेज लगते हैं अन अकेडमी में। इतने सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, मैं बताते बताते थक चुकी हूँ, बट आप किसका वेट कर रहे हो? अगर आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे प्राइसेस लिखे हुए हैं। अलग अलग पैकेजेस अन अकेडमी आपकी कन्वीनियंस के लिए देता है, जितनी जैसी आपकी कन्वीनियंस है। आपको 24 मंथ वाला पैकेज लेना आप वो ले सकते हो, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ, जितना आपको पैकेज लेना है, जो आपको पैकेज लेना है वो कोई सा भी आप पैकेज ले सकते हो। उन सब की रेट्स लिखी हुई है। और एक साइड पे 10% रेट्स कम होने के बाद क्या रेट्स होती है, 10% अगर ऑफ होता है तो उनकी क्या रेट्स होती है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये 10% कैसे होगा, जब आप मेरा कोड यूज करेंगे, PJAIN10, जब आप मेरा एक कोड यूज करेंगे तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगेन मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये अपॉर्चुनिटी तो मिस करनी ही नहीं चाहिए। मैं आपको 10% ऑफ भी दिलवा रही हूँ, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? जस्ट यूज माई कोड PJAIN10। आपको जो पैकेज लेना हो, जो पैकेज आपके लिए कन्वीनियंट है, आप वो पैकेज ले सकते हैं। इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन होता है अन अकेडमी का, दैट इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब आपको लग रहा होगा एक सब्सक्रिप्शन तो मैंने अभी बताया, तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब हम कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो अलग अलग कोचेज होते हैं, स्लीपर कोच, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, राइट? तो अब आप स्लीपर कोच में बैठ के जाओ, बट एसी के कोच में बैठ के जाओ, जाना तो आपको एक ही डेस्टिनेशन पे है, तो क्या फर्क पड़ता है कौन से कोच में बैठो, राइट? बट
अगर आप थर्ड एसी का टिकट लेते हो तो ऑब्वियसली उसमें और ज्यादा बेनिफिट्स और लग्जरी आपको मिलेगी एज कम्पेयर टू द स्लीपर कोच। अगर आप फर्स्ट एसी में लेते हो तो और ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। वैसे ही अन अकेडमी का आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऑब्वियसली अनलिमिटेड बेनिफिट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो थोड़े और ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो वो बेनिफिट्स क्या है? आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, एक लाइफ लॉन्ग के लिए आप कह सकते हैं एक ऐसा फ्रेंड मिल सकता है, गाइडिंग फोर्स लाइफ में आ जाती है ऐसे डम्बल डोर जैसी, जो आपको पूरे लाइफ मतलब पूरे अन अकेडमी का पे आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप परफॉर्म अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, परफॉर्मेंस कैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हो अपने कोर्स पे। तो ये सब पर्सनल मेंटर आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे ही आप अपना डाउट पूछ सकते हो एजुकेटर से। आपको वीकली रिपोर्ट भी देगा अन अकेडमी, वेर यू विल बी एबल टू एनालाइज कि आपके पूरे वीक में क्या परफॉर्मेंस थी, क्या आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, कैसे आप और प्रोग्रेस और इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा देयर इज अ पेरेंट कनेक्ट, जहाँ पे पेरेंट्स के हमारे स्टूडेंट्स को लेके जितने डाउट्स होते हैं, जितने भी यू नो क्वेरीज होती हैं, वो सारी क्वेरीज, फ्यूचर रिलेटेड क्वेरीज सारे पेरेंट्स की एजुकेटर्स जो है वो सॉल्व करते हैं, क्लियर करते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी आपको स्टडी प्लानर भी देगा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देते हैं, यानी कि आपकी पूरी स्टडी, पूरा सिलेबस आपको कैसे कवर करना है, कैसे कवर कर सकते हो, उसका पूरा प्लान बना के अन अकेडमी आपको देगा। इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? इसके अलावा जो मैंने नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के जो इतने सारे बेनिफिट्स बनाए थे वो तो आपको यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएंगे, उसके अलावा ये थोड़े बेनिफिट्स मैंने और बताए, तब आप किसका वेट कर रहे हो? आपको इतने सारी बेस्ट जो पॉसिबल चीजें हैं अन अकेडमी आपको दे रहा है। इतना तो आज के टाइम पे कोई मेहनत ही नहीं करता, आपको बस थोड़ा सा करना है, दैट इज यू कैन एनरोल योर सेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस। प्राइस आपके स्क्रीन पे दे रखी है अलग अलग पैकेजेस की, सो देयर इज 24 मंथ पैकेज, देयर इज 18 मंथ्स, 15 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, और 10% डिस्काउंट मिलने पे क्या प्राइस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। 10% कैसे मिलेगा? मेरा कोड यूज करने से मिलेगा, दैट इज PJAIN10। तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको सीधा सीधा 10% फ्लैट मिलता है किसी भी पैकेज के प्राइस पे। So that was all from my end in this video. I hope you would have liked the video and you would have understood the chapter. Please like this video ताकि हम जैसे educators को और ज़्यादा motivation मिले to bring the best content to you. Please share this video to your friends, relatives who are in 7th grade ताकि उनका भी भला हो, आपका भी पुण्य हो. And subscribe to the Unacademy channel. Also hit the bell icon, because when you hit the bell icon you get the latest updates and notifications from the Unacademy channel, so that you do not miss out on any of such opportunities. Hit the bell icon and together we and you can crack any exam, so let's crack it. Thank you so much for staying tuned and watching this entire video. Thank you so much.